वी वर जस्ट इमेजिन अर्थ पे से पानी पूरी तरीके से खत्म हो जाए। पानी एकदम से ना होने पर लोगों ने पेट्रोल पीना, बर्तनों को पानी से नहीं बल्कि मिट्टी से धोना और पानी को ही दुनिया की नई करेंसी बना ली थी। लेकिन वो नजारा कितना जानलेवा होगा ये तो जल्द से जल्द देखना ही पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें तब का टाइम दिखाया जाता है जब अर्थ पे से पानी पूरी तरीके से खत्म हो गया था। चारों तरफ कोई भी सिंगल पेड़ पौधा दिखाई नहीं देता और अब तो एक बूंद पानी 1000 रुपए का मिलता था। आए दिनों पानी के लिए हमेशा लड़ाइयां हुआ करती थी और अगर अब ऐसा ही चलता रहा ना तो हमारी पूरी इंसानियत खत्म हो जाएगी। अब हमें अर्नेस्ट नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो अपने बेटे और बेटी के साथ रहा करता था। कई सालों पहले अर्नेस्ट के फादर के पास एक बहुत ही बड़ी जमीन हुआ करती थी जो उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा हरी भरी थी, लेकिन अब पानी की एक भी बूंद ना मिलने के कारण वो जमीन एकदम से बंजर हो जाती है। अर्नेस्ट की बेटी और बेटे ने तो आज तक कोई भी पेड़ पौधा देखा ही नहीं था, इसीलिए अर्नेस्ट की दिलो जान से ख्वाहिश थी कि वो एक न एक दिन इस जमीन को हरा भरा जरूर बना देगा। अर्नेस्ट के पास एक डोंकी भी होता है जिसकी मदद से वो व्यापारियों को सामान सप्लाई किया करता था। और अब अर्नेस्ट अपने बेटे माइक के साथ उस जगह पर जाता रहता है जहाँ पर गवर्नमेंट की एम्प्लॉइज जमीन में खुदाई करके पानी बाहर निकाल रहे थे। अर्नेस्ट उन एम्प्लॉइज को अलग अलग सामान के बदले उसकी जमीन की सिंचाई के लिए पानी मांग रहा था, लेकिन वो सारे वर्कर साफ साफ अर्नेस्ट को मना कर देते हैं क्योंकि अर्नेस्ट की जमीन की सिंचाई के लिए बहुत ही ज्यादा पानी लगेगा और कोई भी इतना पानी खेत में डालने के लिए वेस्ट नहीं करेगा। इसीलिए अब अर्नेस्ट और माइक को निराश होकर वहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन अब रास्ते में अर्नेस्ट के डोंकी का पैर टूट गया था जिससे कि वो अब आगे नहीं चल सकता था, इसीलिए अब मजबूरन अर्नेस्ट को अपने डोंकी को जान से मारना पड़ता है। इसके बाद अर्नेस्ट और माइक अपने घर पर आ गए थे जहाँ पर माइक की बहन जिसका मियाँ था वो बर्तन धो रही थी, क्योंकि पानी की एक बूंद तक ना होने के कारण उन्हें बर्तन धोने के लिए मिट्टी का यूज करना पड़ता था। और अब माइक और अर्नेस्ट एकदम से परेशान हो गए थे क्योंकि उन्हें अपना सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसी न किसी एनिमल की जरूरत पड़ेगी ही। इसीलिए अब अगले दिन अर्नेस्ट माइक को लेकर एक एग्जीबिशन में आ जाता है जहाँ पर एक रोबोटिक एनिमल की बोली लगने वाली थी। सभी लोग वहाँ पर उसे खरीदने आ गए थे। अर्नेस्ट की ख्वाहिश थी कि वो इस एनिमल को कैसे भी करके खरीद ले ताकि उसका ट्रांसपोर्ट का काम रुके ना। लेकिन अब फ्लेम नाम का एक दूसरा आदमी उसी रोबोटिक एनिमल को खरीदना चाहता है, पर अर्नेस्ट ने थोड़े ज्यादा पैसे देकर उस रोबोटिक एनिमल को खरीद लिया था। माइक और अर्नेस्ट बड़ी खुशी के साथ अपने नए एनिमल को लेकर अपने घर पर चले जाते हैं। इसके बाद अर्नेस्ट माइक को लेकर एक हॉस्पिटल में पहुंच गया था जहां पर अर्नेस्ट की वाइफ एडमिट होती है। दरअसल कुछ साल पहले अर्नेस्ट की वाइफ का एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद जब अर्नेस्ट की वाइफ का ट्रीटमेंट किया गया तब वो एक स्पेशल फ्रेम की वजह से ही चल पा रही थी। वो रोबोटिक फ्रेम बहुत ही महंगी होती है जिसे कि अर्नेस्ट बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पाता, इसीलिए अर्नेस्ट ने अपनी वाइफ को हॉस्पिटल में ही रखा होता है। वो तो समय समय पर अपने बेटे और बेटियों को लेकर उससे मिलने आया करता था। और अब अपनी वाइफ से मिलने के बाद माइक और अर्नेस्ट वहाँ से चले गए थे। रास्ते में अर्नेस्ट को रॉबी नाम का उसका एक दोस्त मिलता है और वो बहुत ही ज्यादा बुरे कंडीशन में था। उसके पास तो अपने बच्चे को पालने के लिए जरा भी पैसे नहीं होते, इसीलिए रॉबी अपने दोनों बच्चों को किसी न किसी को बेचना चाहता था। अर्नेस्ट रॉबी को संभालता है और उसे हौसला देता है। अर्नेस्ट ने तो रॉबी के बच्चों को पीने के लिए पानी भी दिया था। रॉबी अर्नेस्ट को बहुत पहले से जानता था, इसीलिए जब अर्नेस्ट ने उसकी मदद की तब रॉबी अर्नेस्ट को बताता है कि उसकी बेटी मिया का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। अर्नेस्ट एकदम शॉक हो गया था क्योंकि मिया ने इस बारे में कभी बताया ही नहीं था। अर्नेस्ट जब घर पर आकर अपनी बेटी मिया से ये सारी बातें पूछता है तब मिया ने तो एकदम डायरेक्टली कह दिया था कि वो अपनी लाइफ खुद जीना चाहती है और वो जिससे प्यार करेगी उससे ही शादी करेगी। अर्नेस्ट को अपनी बेटी का ये बिहेवियर बहुत ही बेकार लगता है, इसीलिए उसने मिया को एक कमरे में बंद कर दिया था। अब अगले दिन अर्नेस्ट और माइक को ये बात पता चलती है कि उनका रोबोटिक एनिमल किसी ने चुरा लिया है। अर्नेस्ट को सबसे पहला शक फ्लेम पर जाता है क्योंकि वो भी इस रोबोटिक एनिमल को बहुत टाइम से लेने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए अब अर्नेस्ट बिना टाइम वेस्ट किए फ्लेम को ढूंढने निकल पड़ता है। लेकिन अब वाटर सप्लाई वाले सारे वर्कर्स आकर अर्नेस्ट को मारने लग जाते हैं। वो तो अर्नेस्ट को उठाकर अपने साथ लेकर चले गए थे। थोड़ी देर बाद जब अर्नेस्ट को होश आता है तब वो सारे वर्कर्स उसे जान से मारने के लिए उसके ऊपर टूट पड़े थे। वो बोल रहे थे कि अर्नेस्ट ने अपने रोबोटिक एनिमल का यूज करके उनके वाटर को चुराया है। लेकिन अब अर्नेस्ट कैसे भी करके उन सभी वर्कर्स से अपनी जान बचाता है। उसने तो एक गन लेकर उन वर्कर्स पर तान दिया था और अब अर्नेस्ट कैसे भी करके उस जगह से भाग जाता है। अर्नेस्ट को इस बात का अंदाजा तो हो गया था कि वो सारी चीजें शायद से फ्लेम नहीं की होगी, उसी ने ही रोबोटिक एनिमल का यूज करके उन वर्कर्स का पानी चुराया होगा। और अब अर्नेस्ट फ्लेम को लगातार ढूंढना स्टार्ट कर देता है।
बहुत ज्यादा सर्च करने के बाद उसे आखिरकार फ्लेम मिल ही गया था। इसीलिए अब अर्नेस्ट फ्लेम पर गन तान देता है। अब अर्नेस्ट फ्लेम से अपना रोबोटिक एनिमल लेकर आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। उसने तो फ्लेम को भी बंदी बना लिया था और अब वो तीनों मिलकर आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि फ्लेम ने ही अर्नेस्ट का वो रोबोटिक एनिमल चुराया था और उसी ने ही वर्कर्स का पानी भी लिया होता है। दरअसल फ्लेम इन सभी पानी को बॉर्डर के पार लेकर जाना चाहता था ताकि वो इन्हें बहुत ही महंगे दामों में बेच सके। लेकिन अब अर्नेस्ट अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए फ्लेम को वापस उन्हीं वर्कर्स के पास लेकर जाना चाहता था। वो दोनों एकदम कड़ी धूप में आगे बढ़ते ही जाते हैं। अब अर्नेस्ट बहुत ही ज्यादा थक गया था, उसका गला तो पानी के बिना सूखता ही जा रहा था। तभी फ्लेम अर्नेस्ट से कहता है कि वो रोबोटिक एनिमल में रखा हुआ पानी पी सकता है। बहुत ज्यादा सोचने के बाद अर्नेस्ट इस पानी को पीने के लिए रेडी हो गया था। अर्नेस्ट आराम से बैठकर वहाँ पानी पीता रहता है, लेकिन पानी पीने के बाद भी उसकी पूरी बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई थी। अर्नेस्ट तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अब फ्लेम को ये बात पता चल गई थी, इसीलिए अब मौका देखकर फ्लेम ने एक पत्थर की मदद से अर्नेस्ट के सर के ऊपर मार दिया था, जिससे कि अर्नेस्ट वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है। फ्लेम पता नहीं क्यों अर्नेस्ट के पास आकर उसके ऊपर पानी डालने लगता है। दरअसल वो अर्नेस्ट की बॉडी इस तरीके से रख रहा था जिसे देखने से ये साफ साफ पता चले कि उस रोबोटिक एनिमल ने ही अर्नेस्ट की जान ली है। और अब फ्लेम अर्नेस्ट को वहीं पर छोड़कर चला गया था। वो तो डायरेक्टली मियाँ के घर के सामने आकर उसे बुलाने लगता है। तब जाकर ये रिवील हुआ कि मियाँ जिस लड़के से प्यार करती थी वो और कोई नहीं बल्कि फ्लेम था, और अब वो दोनों बहुत टाइम बाद एक साथ मिलते हैं। अर्नेस्ट जब पूरे दिन घर पर नहीं आया तब माइक अपने फादर को ढूंढने निकल पड़ा था। माइक पूरी जगह पर उन्हें लगातार ढूंढता ही रहता है, और अब माइक को वही सारे पानी के बॉटल्स मिल गए थे जिन्हें फ्लेम्स ने चुराया था। कुछ ही दूरी पर माइक को अपने फादर मरे पड़े मिलते हैं। माइक इस बात से बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया था, और अब सभी को देखकर ऐसा ही लग रहा था कि अर्नेस्ट की मौत और किसी ने नहीं बल्कि उस रोबोटिक एनिमल ने की थी, क्योंकि फ्लेम ने इसी तरीके से सारी चीजें सेट की होती हैं। और अब सभी को ये लगने लगा था कि अर्नेस्ट की मौत एक एक्सीडेंट था। इस खबर से माइक, मिया और उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई थी। वो सब तो साथ होने पर भी बहुत ही अकेला फील कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ फ्लेम कैसी भी करके मियाँ से शादी करना चाहता था। और अब वो मियाँ के घर पर आकर पता नहीं क्यों उस रोबोटिक एनिमल को मार मार कर तोड़ने लगता है। अब फ्लेम माइक के साथ बैठकर थोड़ी सी बातें कर रहा था। दरअसल फ्लेम कैसी भी करके माइक को अपनी तरफ करना चाहता है ताकि वो उसकी बहन मियाँ से शादी कर सके। इसीलिए अब फ्लेम माइक और उसके परिवार के प्रति सिंपैथी दिखाने लगता है। माइक भी धीरे धीरे फ्लेम की बातें मानने लगा था, और उसे फ्लेम अपनी बहन मियाँ के लिए ठीक भी लगता है। माइक भी धीरे धीरे उन दोनों की शादी के लिए कन्विंस हो गया था। फ्लेम ने यहाँ तक ये कह दिया था कि वो माइक के फादर की जमीन पर खेती करेगा और उसे हरा भरा बनाएगा। इसीलिए फ्लेम रात होने पर तुरंत उन वर्कर्स के पास चला गया था जो लगातार जमीन के अंदर से पानी निकालते ही जा रहे थे। फ्लेम उन वर्कर्स के सामने एक डील रखता है, अगर वो वर्कर फ्लेम को खेती करने के लिए पानी देंगे तब फसल अच्छी उगने के बाद फ्लेम उन्हें बेचकर वर्कर्स को डबल पैसे दे देगा। वर्कर्स को ये डील अच्छी लगती है, इसीलिए वो सब फ्लेम को पानी देने के लिए राजी हो गए थे। फ्लेम अपने उस खेत पर कड़ी मेहनत करने लगता है, और अब सालों बाद उस जमीन को पानी मिलने की वजह से वहाँ पर बहुत ही कम टाइम में अच्छी फसल उगना स्टार्ट हो जाती है। फ्लेम्स के कई महीने मेहनत करने के बाद उस जगह पर बहुत ही अच्छी फसल उग गई थी, और अब फ्लेम इन सभी फसलों को बेचकर पैसे कमा सकता था। फ्लेम ने तो माइक की बहन मियाँ से शादी भी कर ली थी, वो दोनों तो साथ में बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन अब एक दिन गवर्नमेंट के कुछ लोग वहाँ पर आ गए थे जो बताते हैं कि अर्नेस्ट ने इस जगह के बदले बहुत ही ज्यादा लोन लिया था, और अगर वो लोन टाइम पर भरा नहीं गया तब गवर्नमेंट इस पूरी जमीन को अपने नाम कर लेगी। फ्लेम तो ये सारी बातें सुनकर एकदम से टेंशन में आ जाता है, इसीलिए थोड़े पैसे जमा करने के लिए फ्लेम रॉबी के पास चला गया था, क्योंकि उसे ये बात पता चलती है कि रॉबी अपने बच्चों को बेच रहा था और उसके पास हाल ही में बहुत सारे पैसे भी आ चुके थे। इसीलिए फ्लेम डायरेक्टली रॉबी पर हमला करने लग जाता है, और अब फ्लेम ने रॉबी से सारे पैसे छीन लिए थे। इन सभी लड़ाई के बीच उस रोबोटिक एनिमल को एक गोली लग जाती है जिससे कि वो थोड़ा सा खराब हो गया था। इसीलिए अब वो रोबोटिक एनिमल खुद से ही अपने मैन्युफैक्चरर के पास जाने लगता है। यहाँ फ्लेम तो मियाँ के साथ अच्छी लाइफ गुजारने लगा था। फ्लेम ने गवर्नमेंट को लोन लिए गए सारे पैसे लौटा दिए थे। माइक को तो फ्लेम की इन सारी चीजों पर थोड़ा सा शक हो रहा था। यहाँ माइक को लग रहा था कि फ्लेम ने उनके रोबोटिक एनिमल को बेच दिया है और इनसे ही फ्लेम्स को बहुत सारे पैसे मिले हैं। पर यहाँ दूसरी तरफ वो रोबोटिक एनिमल अपने मैन्युफैक्चरर के पास पहुँच गया था। मैन्युफैक्चरर ये पता करता रहता है कि ये रोबोट है किसका, और अब उस मैन्युफैक्चरर ने अर्नेस्ट का नाम अनाउंस करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि माइक को पता चल जाता है कि फ्लेम ने वो रोबोटिक एनिमल बेचा ही नहीं था। और अब माइक पूरी तरीके से श्योर हो गया था कि फ्लेम उससे जरूर कुछ न कुछ छुपा रहा है।
इसीलिए अब माइक ने फ्लेम्स की सारी चीजों पर नजर रखना स्टार्ट कर दिया था। जब माइक अपने रोबोट को लेने के लिए मैन्युफैक्चरर के पास पहुंच गया था, तब वो मैन्युफैक्चरर रोबोट को थोड़ा सा ठीक करके माइक को उसके फीचर्स के बारे में बताता है। उस रोबोटिक एनिमल के अंदर पहले से ही कैमरा फिट था, और जब माइक ने रोबोटिक एनिमल के अंदर का फुटेज चेक किया, तब माइक को उसमें लिटरली सारी चीजें दिखाई दे रही थी कि कैसे फ्लेम ने उसके फादर को जान से मार दिया था। और अब माइक को सारी चीजें एकदम साफ साफ पता चल गई थी, पर वो फ्लेम को जाकर कुछ ज्यादा बोलता नहीं। सिर्फ माइक फ्लेम से इतना पूछ रहा था कि उसे ये सारे पैसे मिले कहाँ से, पर फ्लेम माइक को इसका कुछ भी जवाब नहीं देता। और अब माइक फ्लेम से कह रहा था कि उसे रॉबी याद कर रहा है, लेकिन फ्लेम टोटली रॉबी को इग्नोर कर रहा था। अब अगले दिन फ्लेम को रॉबी का एक लेटर मिलता है, जिसके अंदर लिखा था कि वो उसे एक सीक्रेट बात बताना चाहता है। इसीलिए रॉबी फ्लेम को पास ही वाले इलाके में बुला रहा था। अगले दिन फ्लेम बिना किसी को बताए उस इलाके में चला जाता है। थोड़ी देर तक आगे चलने के बाद फ्लेम गलती से एक गड्ढे में गिर गया था, और तेजी से गिरने की वजह से फ्लेम्स की दोनों ही पैर टूट जाते हैं। फ्लेम को वहाँ पर बहुत ज्यादा चोट आई थी, पर तभी उस गड्ढे के ऊपर माइक आ जाता है, जो फ्लेम को बता रहा था कि उसे सारी बातें पता चल गई हैं, कि कैसे फ्लेम ने अर्नेस्ट को बहुत ही बुरी तरीके से मारा, और वो तो उसकी बहन मिया को यहाँ से भगाकर लेकर जाना चाहता था। माइक के अंदर तो इन सारी चीजों की वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्सा भर गया था, इसीलिए अब वो एक पत्थर फ्लेम के ऊपर मार देता है, जिससे कि सर पर चोट लगने की वजह से फ्लेम मर गया था। माइक ने भी फ्लेम को उसी तरीके से मारा जिस तरीके से माइक ने उसके फादर को मारा था, और अब माइक का हिसाब पूरा बराबर हो गया था। लेकिन माइक फ्लेम के बारे में अपनी बहन मिया को कुछ भी नहीं बताता। मिया तो कुछ ही महीनों में फ्लेम्स के बच्चे की माँ बनने वाली थी, पर अब मिया दिन रात फ्लेम का वेट करने लग जाती है। माइक को तो पता था कि वो कभी लौटेगा ही नहीं, पर उसने मिया को इन सारी चीजों के बारे में कुछ भी बताया ही नहीं। और अब इन सारी चीजों को कई साल बीत जाते हैं। माइक और मिया ने तो अपनी मॉम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा दिया था। उन दोनों ने तो मिलकर अपनी मॉम के लिए वो महंगा डिवाइस खरीद लिया होता है। उनके फसलों का व्यापार चालू करके माइक और मिया ने बहुत सारे पैसे कमा लिए थे, और अब वो दोनों अपनी मॉम के साथ खुशी खुशी अपनी लाइफ एंजॉय करने लग जाते हैं। इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म भी हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी से क्या सीखने मिला कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।